सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने उनके घर पर गए तो वहाँ पर हिटलर नहीं थे, तो उनके आदमी ने उन्हें वेट रूम में बैठा कर आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी एक पुस्तक पढ़ने लगे, तो फिर कई लोग आ गए, उनसे कहे मैं हिटलर हूँ, फिर बात करके चले जाते। फिर जब असली हिटलर आया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब बंद कर कर उनसे कहा हिटलर सा है, तो उनने कहा इतने सारे लोग आ गए फिर भी आप असली हिटलर को कैसे पहचानेंगे? उनने कहा जिसको प्रधानमंत्री भी नमस्ते करते हैं उसको मैं कैसे ना पहचानूं। मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियां बोलकर विराम देना चाहती हूँ। कीचड़ में भी कमल खिला खिला करते हैं, ऐसा ध्रुव रात है, चांद चांदनी बिखेरकर बहुत नखरते हैं, गुलशन में स्वयं फूल मुस्काते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके गुण हम गाते हैं। इन्हीं विभूतियों में हमारे एक नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनके नारों से अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।